सकता हूँ कि हम लोग अभी ऑनलाइन करेंगे, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे और हमारा काम ही है कि उनको कंफ्यूज कर। क्वेश्चन हमेशा डिफिकल्टी आना है, हमारा प्रश्न और हमारा काम ही है कि उनको कंफ्यूज करना, क्योंकि हम तभी तो उनकी गहराई को हम लोग भांप सकेंगे, उनके मेरिट को हम भांप सकेंगे। तो ये उम्मीद करना है कि हम प्रश्न जो पूछेंगे वो सीधा साधा क्वेश्चन पूछ देंगे, तब तो सभी आंसर दे देंगे। तो अब बात ये उठती है कि अगर हम कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे तो उनको क्या करना चाहिए। स्वाभाविक है कि उनको अपना डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा, सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, उनको डेप्थ में जा करके पढ़ना पड़ेगा, सतही ज्ञान से कभी नहीं चल सकता। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दरोगा भी दे देते हैं, यूपीएससी भी देते हैं, बीपीएससी भी दे देते हैं, हर एग्जाम देते हैं और फिर सवाल खड़े करते हैं। नहीं, वो स्वाभाविक है कि वो अपने अपने विकल्पों को, अपने ऑप्शंस को मैक्सिमाइज करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ नहीं होगा तो कहीं और होगा, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो हर किसी का अलग होता है, होना ही है, स्टैंडर्ड भी अलग होगा। लेकिन अगर आपको, अगर बीपीएससी की, अगर जैसे कंबाइंड सिविल सर्विसेज की परीक्षा या फॉर दैट मैटर कोई भी टेक्निकल परीक्षा को भी अगर आपको करना है तो आपको उसके डेप्थ में जाके करना होगा। ऐसा नहीं कि एकदम क्लियर कट आंसर अगर देना अगर होगा तो अगर आप आसानी से दे सकते हैं तो और भी लोग दे देंगे, तो जब और भी लोग दे देंगे तो फिर आपका कैसे होगा, और लोगों का भी हो जाएगा। इसलिए समझने वाली बात है कि क्वेश्चन हमेशा डिफिकल्टी आना चाहिए और लोगों का प्रिपरेशन जो है इन डेप्थ होना चाहिए, सतही ज्ञान से फायदा नहीं होगा। सर, पारदर्शिता की बात कही जा रही है, तो क्या ये भी एग्जाम ऑनलाइन आप लोग फिर बाद में लीजिएगा, कभी होने की संभावना है? देखिए, भविष्य में तो बहुत कुछ हो सकता है, निकट भविष्य में मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोग अभी ऑनलाइन करेंगे, लेकिन भविष्य तो परिवर्तन की बात ही है। हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, हमारी चीजें बढ़ेंगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि AI टूल से भी इवैल्यूएशन की बात हो सकती है भविष्य में, होना है, भविष्य में तो चेंज होना ही है, कभी ना कभी ये ऑनलाइन भी आ ही जाएगा यहाँ। निकट भविष्य में मैं अभी इसको फोर्सी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी उसमें जो कठिनाई है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर में जो चीज हो रहा है वो किसी को दिखता नहीं है। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि पर्दे